नमस्कार दिनर बड़ा खबर शो अर्गस प्राइम ओडिशा को स्वागत करुछु मु शक्ति साई मिश्र बुलेटिन को आकु बढ़ेबा किंतु प्रथमे आसुन देखनेबा कोन रहछु हेडलाइंस हेडलाइंस इज ब्रॉट यू बाय खाना कोइसा भी हो इट टेस्ट बेस्ट ओनली विद बेस्ट ड्रॉप कुकिंग ऑयल बी श्योर इट्स प्योर अनाथंक पई सरकार का आशीर्वाद योजना बापा मां उभय को हराइथिले 2500 टंका जण को हराइथिले 1500 टंका सरकार कोविड ना ननेबार उठिला विवाद विरोधी जीत मृत्युर श्वेत पत्र प्रकाश करंतु सरकार नहले आशीर्वाद योजना होइजिबो अभिशाप सारा देश में कालेठ कैंपेन मोड्रे आरंभ हो टीकाकरण प्रक्रिया राज्य में दिनक 3 लाख टीकाकरण टार्गेट वैक्सीनेशन को सुव्यवस्थित करने स्वास्थ्य विभाग जारी कला स्वतंत्र सर्कुलर टीकाकरण में बाधक साजिश लोकों अनाग्रह भाव स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहले व्यापक जन सचेतनता दरकार स्नान पूर्णिमार नीलाद्री विजय पर्यंत नीति निर्घंट स्थिर स्नान यात्रा भोर 4 हेबो पहंडी सकाळ 7 जल लागि सामिल हेबाकु थिबा समस्त सेवायतंकर हेबो कोविड टेस्ट खरीफ जाई रबि आसिला दूर हलानि चासीर दुख धान कळारे पड़ी रही कष्ट उपार्जित धान आसुनि टोकन चिंतार चासी वर्षारे धान कळाकु जगिछि अन्नदाता झारसुगुड़ा पाटनागढ़ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट लोक नुहे मेसीन पोषुची पंचायती राज विभाग केउठी मेसीन करुची तो केउठी भूत हिताधिकारी नेले टंका दादन खटुवा लोकों ना आसुची नरेगा बिल विवाद रे विभाग मंत्री प्रताप जेना और सचिव देवरंजन कुमार सिंह अर्गस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट साधु को माड़ मारी विवाद रे नरसिंहपुर थाना एएसआई निशारे चूर हो अश्लील भाषा गाली गुलज कर थाना बाबू पुलिस मुखिया कहते नम्र हुआ सरल हुआ किंतु वास्तव में व्यवहार धजिया उड़ाइले एएसआई एवं बॉलीवुड रे शून्य स्थान कोरोना आक्रांत सुनाबधन्य कंठशिल्पी तपु मिश्रा वियोग निज क्यारियर देते अनेक सुपरहिट गीत सिने जगत रे शोकर छाया मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री शोक प्रकाश सरकार नुआ योजना आशीर्वाद बापा मां उभय को हर पिला मासिक 2500 टंका बापा मां का भितर जण को हर पिला मासिक 1500 टंका दिया राज्य में कोविड मृत्यु जो अनेक पिला बापा मां छेउंड होइथिबा कारणरु सरकार एभली निष्पत्ति नहीं स्पष्ट तेबे ए घोषणा रे सरकार केउठी भी कोविड ना नै नथिबा कारणरु उठिछि विवाद कोविड रे केते मले तार हिसाब नदेबा पई सरकार कोविड प्रसंग को एड़ाई जाइछंती कि बोली प्रश्न उठाई विरोधी मृत्युर श्वेतपत्र प्रकाश करने को दावी करिछंती बीजेपी आउ कांग्रेस सरकार जदि एमती न करती ताहले आशीर्वाद योजना अभिशापे परिणत बीजेपी सरकार को नुआ योजना आशीर्वाद बापा माँ उभय को हर पिला मिल मासिक 2500 टंका बापा माँ भितर जन को हर मिलिक 1500 टंका जड़े भी असहाय शिशु जपरि बाद न पड़ती दृष्टि देवाक जिलापा निर्देश देते मुख्यमंत्री एथपाई प्रतवर्ष जिलापा करेंगे स्वतंत्र अभियान जो पिला बापा माँ 2020 एप्रिल 1 तारीख सुधा मृत्युवरण करेंगे से केवल यह योजनार लाभ पाई राज्य में कोविड मृत्यु जो अनेक पिला बापा माँ छेउंड होता कारण सरकार एपरी निष्पत्ति नहीं स्पष्ट हो तेब घोषणा सरकार केउठी भी कोविड ना नहीं कारण उठी बिवाद कोविड रे केते मले तार हिसाब न देबा पई सरकार कोविड प्रसंग को एड़ाई जाइछंती बोली प्रश्न उठिछि आज एने सरकार को पक्षर घोषणा होइतिबा बेले योजना कहाँ पई बोली प्रश्न करिछंती विरोधी एपरिकि सरकार को दूरदृष्टि अभाव पई एहा अभिशाप पलटि जिवो बोली कहिछंती विरोधी सरकार को पक्षर घोषणा होइतिबा योजना अनुसार 2020 एप्रिल 1 तारीख पर अनाथ होइतिबा पिलांको पई एही योजना लागू बापा माँ उभय को हरइथिबा पिलांको 18 वर्ष होगा जाए मिल 2500 टंका बापा माँ भितर जन को हर मिलसिक 1500 टंका पिला भरण पोषण
शिक्षा स्वास्थ्य पर दायित्व नहीं आत्मीयों पाखक इलेक्ट्रोनिकाली जीव टंका पिला किए पोष्य भाव ग्रहण कले सहायता दिजना राज्य सरकार को स्वास्थ्य बीमा योजना और विजु स्वास्थ्य कल्याण योजन पिलाने मागणा चिकित्सा सुविधा पाई बोली सरकार पक्षर घोषणा करा तबे सरकार को घोषणा को नहीं प्रश्न उठाई विरोधी बीजेपी और कांग्रेस विरोधी दल मुख्य सचेतक मोहन माझी कहते आशीर्वाद योजना केवल योजन ही रही क्यों पिलाने प्रभावित होती कहार बापा माँ मृत्यु होने को चिन्हट करागला कि जो मैंने मृत्युबरण कर प्रथम तालिका तैयारी करते सरकार जदि बास्तव में सरकार आंतरिकता अच्छी मृत्यु संख्या को नहीं प्रथम स्वतपत्र प्रकाश करतु जेहेतु तालिका प्रस्तुत हो नहीं तथ्य और भित्तिमि नहीं योजना आशीर्वाद नुहे अभिशाप हो राज्य स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन देखा मृत्यु तालिका अलग कथा कौच और मशाणी तथा जिला सीडीएमओ मान तथ्य किसी अलग आसुच्चे कांग्रेस सामान कथा कही मृत्यु तालिका नथिले योजना किए पाइब छोट छोट पिला माने जो माने एप्रिल 1 2020 रु अनाथ अच्छा जो माने उभय बापा माँ ना कि सिंगल पेरेंट्स जो माने से मानी माननीय मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं पार योजना योजन रही जदि प्रकृत योजन आशीर्वाद योजन से अंतर्भुक्त आर्थिक सहायता देवाई सरकार वास्तविक आंतरिकता अच्छी प्रथम से इनक्वारी करूँ एवं एक तार तालिका बाहर करंतु सेत प्रत्यय प्रकाश करंतु ए जो पिला को सहायता किछि नहीं स्टेशनरी की मोर अनुरोध जिलापाल एसटीओ एडीएम तहसीलदार वीडियो ए जो अनाथ पिला माने रही छथि बाप मर जाय छि बहु मर जाय जोड़े छोटो पिला बचबे केमती तांको पाखे जो योजना घोषणा कर छि नवीन बाबू पहुंचेबा दरकार सबटे सरकार कोविड मृत्युर सठिक तथ्य देउनथुवा बळे आशीर्वाद योजन सतक लुचाइबा पई आउ एक चाल खेळिचंदी बोली कहिचंदी सूचना अधिकार कर्मी सूचना अधिकार अभियान सदस्यों कहिबा अनुसार प्रथमे मृतकंक तालिका प्रस्तुत हेबा दरकार सरकार जे घोषणा करिचंदी ताहा समुद्र को संखे 1500-2500 टंका रे किपरि गढ़ा जीव पिलांक भविष्यत ताकु नै उठिचि प्रश्न सबटे मध्यप्रदेश सरकार अनाथ पिलांक पई आरंभ करिसंती मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना एक योजना माध्यम रे अनाथ पिलांक मासिक 5000 टंका मागणा शिक्षा प्रदान करा जिवो गत अप्रैल 2020 रु आजि पर्यंत सरकार को पाखरे सटीक तथ्य अछि कि कहार पिता माता मरिचंता शिशु अछि अनाथ हई एवं कहार पिता मरिचि कहार केवल माता मरिचंता तथ्य सटीक भाबे सरकार को पाखरे अछि खाली योजना घोषणा करछंती योजना बाबदरे जो फंड आसिबो केवल शासक दल कर्मी नेता माने मिलीमिशी हरिलुट करवा छड़ा आउ किछ नो आशीर्वाद बनाम अभिशाप सरकार को नुआ योजना घोषणा को नहीं आरंभ होई राजनैतिक पैंतराबाजी कोविड मृत्युर शतपत्र दाबी जिद्रे विरोधी अटल रही बेले सरकार को यह घोषणा यह मैनेज करते दूर सहायक हेब ताकू नहीं उठी प्रश्न भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज आसंता कालेठो कैंपेन मोड रे आरंभ हेबा टीकाकरण प्रक्रिया केन्द्र सरकार का नुआ टीका नीति अनुजाई हेबा टीकाकरण राज्य में प्रत्येक दिन 3 लक्ष टीकाकरण लक्ष्य रखिछंती सरकार एने जिलापाल म्युनिसिपल कमिश्नर को चिठी लिखि जणाइछंती स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उपांत अंचल रे टीका नेबा को अनिच्छुक थिबा लोकंकु स्वतंत्र ड्राइव जरिया रे टीका देबा उपरे स्वास्थ्य विभाग गुरुत्व देबा को कहिछंती स्वास्थ्य विशेषज्ञ अंतर्जातीय योग दिवस युववर्गक टीकाकरण उपर गुरुत्व प्रधानमंत्री घोषणा अनुजाई आसंता कालिठु समग्र देश में कैंपेन मोड रे आरंभ हेबो टीकाकरण प्रक्रिया तृतीय लहर खूब शीघ्र आसिबार आशंका थिबारु डिसेंबर सुधा टीकाकरण प्रक्रिया को शेष करने को लक्ष्य रखिछन्ति केन्द्र सरकार तेणु समस्त राज्य को तृतीय पर्याय टीकाकरण लागि मागणा टीका जोगाइ देबा सह एहाकु कैंपेन मोड देबाकु कहिछि केन्द्र जहाँ को दृष्टि रखी ओडिसा रे होइछि जोरदार प्रस्तुति राज्य 18 वर्ष ऊर्ध टीकाकरण लगे प्राय 3 कोटी 9 लक्ष लोक रही तेणु यह सुव्यवस्थित करने स्वास्थ्य विभाग जारी कर स्वतंत्र सर्कुलर समस्त ब्लॉक और म्युनिसिपालिटी हेबो टीकाकरण प्रत्येक ब्लॉक रे 5 एनएससी रे 5 पौर परिषद रे 10 और महानगर निगम रे 20 लेखाएं सेसन उभय ऑनलाइन और ऑफलाइन टीकाकरण जिला स्तर रे योजना सठिक समय रे द्वितीय डोज दिया उपरे मध्य गुरुत्व प्रत्येक दिन 3 लक्ष टीकाकरण टार्गेट
दैनिक 3 लक्ष नागरिक को टीका देवार लक्ष्य धार्य रखिचु ता अनुसार आम समस्त जिला को सेमानकर पॉपुलेशन अनुसार केते टारगेट अच्छी से सेमानकु टारगेट दि जाइए प्रतिदिन सेमाने केते जन नागरिक को टीकाकरण करिवे एवं ता अनुसार आमर राज्य स्तर रे दैनिक 3 लक्ष नागरिक को टीकाकरण करिवार आमर लक्ष्य धार्य करा जाइछि। तेबे टीकाकरण कैंपेन मोड रे बाधक साजिछि टीका नेबा पई लोकंकर अनाग्रह भाव। स्वास्थ्य विशेषज्ञ नीरज मिश्रंक कहिबा कथा शिक्षागत अभाव रु अनेक लोक टीका नेबाकु अनाग्रह प्रकाश करुछन्ती तेणु सेमानंकु व्यापक जनसचेतनता कार्यक्रम माध्यम रे सचेतन करबाकु हेबो। तांकर गाँव मानक सेन्टर करा पड़ो छोट छोट सेन्टर हो ना मोबाइल यूनिट करा पड़ो कारण ये वैक्सीन गुटा आप गोटे आइस बक्स में क्यारि करेंगे तेनाली मर्णिंग गोटे जगह गले नियरेस्ट विलेज जाएंगे एरिया घरे भी दबाक मुझे कहि घर दि जाओ लोक मैंने निश्चय राजी हे। सरकारी तथ्य अनुजाई राज्य में गत जानुरी 16 तारीख रु जून 19 मध्य 93,73,000 डोज टीका दि जाएगी सेमानक मध्यरु 17,96,000 डबल डोज टीका नहीं सारी 18 वर्ष तथा ताठु अधिक बयसर 3,09,00,000 राज्यवासी को 6,18,00,000 डोज टीका देवाक राज्य सरकार योजना प्रस्तुत करिछन्ति। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन सनातन बेहरा सह दिव्यज्योति महांती रिपोर्ट अर्गस न्यूज। छतीसा निजोग बैठक में स्नान पूर्णिमार नीलाद्री विजे पर्यंत महाप्रभु समस्त नीति निर्घंट स्थिर हो स्नान यात्रा राति गोटाएर हेबा मंगलार्पण भोर 4 पर्यंत पहंडी करा जाय सकाळ 7 जल लागी करा जिवो स्नान यात्रा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था करा जाय छी। स्नान यात्रा रे शामिल हेबा कुथिबा समस्त सेवायतंकर कोविड टेस्ट असंता 22 तारीख पर्यंत करा जिवो। पाखे आसुछि बड़ ठाकुरंक बड़ यात्रा आउ दिन केटा परे भाई भौणी को साथी रे धरी बड़ देउलरु बाहरिबे कालिया ठाकुर स्नान यात्रा रो नीलाद्री विजे पर्यंत महाप्रभुंकर नीति किछि एमिति हेब। छतीसा निजोग बैठक में समस्त नीति निर्घंट होइछि। आसंता 24 तारीख रे स्नान यात्रा एथिपई 23 तारीख राति गोटाए रे मंगलार्पण करा जिबा परे महाप्रभुंक धाड़ी पहंडी भोर 4 सुधा शेष हेब। सकाळ 7:30 रु 9:30 मध्यरे जल लागी हेब। दिन 10:30 रे छेरा पहरा 11 रु 12 मध्यरे हाथी बेस अनुष्ठित हेब। 5:00 रु 8:00 भितरे बाहुडा पहंडी करा जिबो। महाप्रभु कोटी पहंडी रे जाई अणसर पिंडी रे पहुंचबा परे प्रथम दिन ठारु अंग रक्षक सेवक दैतापति माने महाप्रभुंक अणसर नीति करिवे। देव स्नान पूर्णिमा विशेष करी केमती आम कोविड कटकणा भितर सरकार जो कोविड कटकणा अच्छे कटकणा भितर केमती संपादन करा आवश्यक जी संख्यक सेवक मैंने आसी नीति के संपादन करेंगे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे गत वर्ष जो भाव बहुत जल्दी रात पहुंची था से भाव सब नीति रखाई सकाल 9 भितर हो सान एथर होली व्यवस्था कराई सब जिन विफल हाँपी व्यवस्था करा समस्त सेवायत भी समस्त प्रतिश्रुति सहयोग कर जमी टाइम गत वर्ष होता आलियन करवस्था कर नीति निर्घंट अनुजाई महाप्रभु नीतिकांति किपरि सुचारू रूपे संपादन हेब से नहीं जिलापाल समस्त सेवायतों सहयोग कामना करिछन्ते। जल लागी और हाथी बेश समय श्रीविग्रह सम्मुखरे अजथा गहली नकरिबाकु निर्देश दिया जाइछि। सेपटे 22 तारीख पर्यंत स्नान यात्रा रे सामिल हेबाकु थिबा समस्त सेवायतों कोविड टेस्ट करा जिवो। जगन्नाथ महाप्रभु जो घोष यात्रा अछि सेनकरे समस्तक टेस्ट निहाती प्रकार आवश्यकता रहिछि जहां भी हो मुख्य प्रशासक जो व्यवस्था करिसेंति वर्तमान 1000 सेवायत मानकर 2 दिन भितर समस्त नेगेटिव टेस्ट करा जिवो 4 थर हम एवं सब जो सब टेस्ट हम जो मैंने पॉजिटिव बाहर से अंतर रहे कहीं से सुजोग दि जाव ना पुण्य स्नान पुण्य स्वर्ण निजोगर जो दायित्व अच्छी आमर देह को पहंडी करिवार प्रथम पार्टा देह को पहंडी करिवार पहंडी बर्तमान आम पहंडी कार्यक्रम सर तापर महाप्रसाद दायित्व आसो जो महाप्रसाद कह जानते तो स्नान पुण्य 144 जरा हम बाहर लोक आसीपरिवे ना स्नान यात्रा दिन पुरी सहर को संजोग करुवा प्रवेश पथरे पुलिस पिकेटिंग 16 स्थान में ब्यारिकेड कर स्नान यात्रा श्रीमंदिर चारिपाख को 3 थाकिया ब्यारिकेड व्यवस्था 160 अधिकारी 35 प्लाटून फोर्स मुतयन हेबे 530 होमगार्ड नियोजित हेबे बड़दाण्ड तथा श्रीमंदिर आखपाख अंचल को संजोग करुवा रास्ता को प्रवेश कटकणा रहिबो। सहरर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण स्थान में नजर रखा 12 सीसीटीवी कैमरा लगाजिबो।
पुरीरु कैमरा पर्सन सनातन का सह आलोक आशुतोष का रिपोर्ट अर्गस न्यूज। प्राइम ओडिशा आगक भी रही है गुरुत्वपूर्ण खबर किंतु समय हो गए छोट विरतिर। खरीफ जाई रबी आसला किंतु चाषी दुख दूर है एबे भी धान कालारे पड़ रही चाषी कष्ट उपार्जित धान पाटागढ़ उपखंड भालुडुंगुरी रे जोको न आसिबार वर्षा रे धान को खोलारे जगिछि चाषी। एबडे झारसुगुडा रे टोकन समस्या जोगु चाषी निजर उत्पादित फसल बिक्री करिवारे समस्यार सम्मुखीन होउछि। केतेबेले ना पंजीकरण त आउ केतेबेले टोकन प्रदान रे समस्या देखिबा को मिलुछि। फल रे चाषी उत्पादित धान को बिक्री करथुले मध्य उचित मूल्य पाइपारु नाही। एमाने हेउछन्ति भालु डुंगरी गाँव चाषी लोकनाथ विश्वाल, टुलु प्रधान, फकीर साहू, डोलामणि प्रधान निज निज जमीरे धान अमल करथिले। धान बिक्री करने टोकन पंजीकरण करथिले किंतु पैक्स कर्मचारी अवहेला जो टोकन न आसिबारु एबे निज निज खळा रखिछन्ति शह शह क्विंटाल धान बस्ता। बर्षारे भिजुचि धान आखि आगरे धान गजा होउछि आउ किछि चाषी टोकन न पाइबारु निज निज घरे धान रखिछन्ति। रजिस्ट्रेशन कोनी धान रो कार्ड लाई तो सेतरे टोकन नि आसला तो धान केनारे मु बिकी परमी मोर थरे मोबाइल रे मेसेज भी आछे तो तार माने रजिस्ट्रेशन हेछे बोली गिरी मोबाइल भी आज देखलु आज देखि देखि टाइम पोले गला टोकन भी नि आसला। तो माध्यम रे ऑनलाइन कोली पर्चा आधार कार्ड मालगोई रसीद जेनटा लगवार कथा से ऑनलाइन कला सत्ते भी मोर टोकन आसीनी पारे टोकन नहीं आसवार द्वारा मुझे तमाम धान बिक्री करनी पारे। चाषी माने अनेक थर लोकप्रतिनिधि आरंभ कर जिलापाल गुहारी करछंती किंतु किछि सुफल मिली पारे नहीं। चाषी बारंबार प्रेस को जाई बहु असुविधार सम्मुखीन होती रजिस्ट्रेशन होता बाकी रजिस्ट्रेशन हो टोकन टा नहीं आसी तो सोसाइटी रे प्लस तहसीलदार मांग को पचरला परे आमर लेवल रे किछि नै न आमर याडु जेंडा करबा कथा करिछु केन लेवल रे रहला ई सेटा टिके बुझुन बोले सीएसओ के पचरला ये सेटा ऊपर लेवल भुवनेश्वर लेवल रेटा हिजे। एपडे झारसुगुडा रे भी रबी ऋतु धान बिक्री को नै चिंता रे चासी चासी उत्पादित फसल बिक्री न करि पारि कम मूल्य रे असाधु व्यवसायी को देबा को बाध्य होछन्ति। त्रुटिपूर्ण धान संग्रह नीति सांग को टोकन व्यवस्था को नै चासी महल रे असंतोष देखा दैछि। जेन दिन सरकार डीएलपीसी करुचे किंतु एसएलपीसी रे सब जेनटा योजना गुडाक प्रस्तुत करुचे से दिन आम समस्या ही समस्या भोगुच जेनती सरकार कहूँ कि जेनटा पेपर माध्यम से कहछन से हिसाब से मुई नहीं पाईपर से किसी आ से सीजन रान जेन टुकन जेनता आम जहाँ रजिस्ट्रेसन कर हिसाब से भी मोर नहीं आसला टुकन। झारसुगुड़ा जिलार 32 समवाय समिति मध्य 8 समवाय समितर धान क्रय होन्य समवाय समिति में चाषी मैंने धान बिक्री आवेदन कर सुधा पंजीकरण हो पार अभोग जटिल टोकन व्यवस्था एवं चाषी मारणा नीति को बीजेपी और कांग्रेस पक्ष तीव्र विरोध कर देखु राइस मिलर्स और सरकार गोटे मधुचंद्रिकार स्टोरी लेखाई जो टोकन समस्या आज बहुत विराट राक्षस रूप से लोक चाषी मान को हैरान करुची से ही टोकन समस्या चाहिले सरकार दुई दिन रे ठीक हो पार प्रशासन जिते बेले चाहूँ से टोकन दौची तापर से गोटे टार्गेट दौर से टोकन समय अवधि भी से मन में समाप्त कर जहाद्वारा चाषी हैरान हो धान बिकि पार नहीं आम तहसीलदार को वेरिफिकेशन करने एवं तहसीलदार भेरीफाई करके आमको देखिए राज्य स्तर को भी पठाई दे। चलित बर्ष झारसुगुड़ा जिलार 1324 जन चाषी धान बिक्री करने नाम पंजीकरण आवेदन करते 939 जन धान बिक्री करने को योग्यता अर्जन कर आज सुधा जिलार 858 जन चाषी 35,360 क्विंटाल धान किणाई जिला जोगाण अधिकारी कहते एपटे हीराकूद बुड़ी अंचल चाष करुवा चाषी भाग्य झुली रही धान बिक्री करें ना नहीं से नहीं अनिश्चितता लगी रही। पटनागढ़ सदाशिव शरीफ झारसुगुड़ सुरेन्द्र बारिक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर आगे रही समय हो गए विरतिर।
ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ମେସିନ୍ ପୋଷା ଚାଲିଛି। ମେସିନ୍ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ବିଭାଗ ବିରୋଧରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ। କେଉଁଠି ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି ନରେଗା ବିଲ୍। ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଏ ବିଭାଗର। ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ। ମନରେଗା ମହାସ୍କାମ, ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ଚାଲିଛି ମେସିନ୍ ପୋଷା। ମେସିନ୍ ପୋଷା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଉପକୂଳରୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ମେସିନ୍ ପୋଷା। ପ୍ରଶାସନ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ। ପୂର୍ବରୁ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ, ଦକ୍ଷିଣ ସବୁଠୁ ଆସୁଛି ଅଭିଯୋଗ। ହେଲେ ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ, ଆଉ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଓ ସଚିବ ଦେଓରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ କରିଷ୍କର୍ମା କାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ହେଲେ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଖାଉଛି ଭୂତ, ଆଉ ମେସିନ୍କୁ ପୋଷିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ପୋଖରୀ ଖନନ ନାମରେ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ନାମରେ ହେଉଛି ଏଠି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭୂତ ଖାତାକୁ ଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଏକଡାଳ ଗ୍ରାମ। 3-4 ବର୍ଷ ତଳୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଉଛି ଟଙ୍କା। ରଘୁନାଥ ନାୟକ, ଖଦାଲୁଣି ନାୟକ, ଯୋଗୀ ନାୟକ, ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକ, ଏମାନଙ୍କର 3 ବର୍ଷ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନାଙ୍କର 8 ମାସ ତଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଗତ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଶାନ୍ତିଲତା ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ନାୟକ, ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା, ସାର୍ ଏମିତି 10-12 ଜଣ ନାଁରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ଜାଣିଛି ସାର୍। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ? ତାଙ୍କେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମଲେଣି ସାର୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ନାହିଁ, ବୟସ୍କ ହେଲାଣି, ଟିକେ ଇଏ କରି କାଳ ହେଲା। କେତେ ବୟସ ତାଙ୍କୁ? ହେଇଯିବ 90 ପରେ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଖାତା କିଛି ପଇସା ଆସିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ପୋଲସରାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସୁରତ ସମେତ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହି ଦାଦନ ଖଟୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ସାଜିଲେ କେମିତି? ଆଉ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କେମିତି? କେବଳ ମାଷ୍ଟର ରୋଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଦର୍ଶାଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ କରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରାଯାଉଛି। ନାମକୁ ମାତ୍ର କେବଳ ଶ୍ରମ ଦିବସ ସୃଷ୍ଟି କରି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ବୀରମହାରାଜପୁର ନୁହଁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ କରୁଛି କାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲୋକେ କାମ ପାଉନଥିବା ବେଳେ ମେସିନ୍ ପୋଷା କାମ ଲାଗିଛି ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବିଭାଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ହେଉଛି ବୁଲେଟିନ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବରକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।